कैसे हो सब? अच्छे होंगे, ठीक ही होंगे। सबको राम राम। पूरा बर्तन धो दिया आज, डेली व्लॉग नहीं किया सवेरे से। जो सांझ हो गई, रात रात सांझ में रात हो गई। मैंने आज चावल और मूंग का घसी और ये बैम्बू शूट घसी बनाया। इधर आलसंदे का थोड़ा है, बचा है। मटर आलू की सब्जी बनाई है, गूंद के चपाती का आटा गूंद के रखा है, रोटी और ये मैनीस लहसुन डाल के और ये अचार, लहसुन का अचार। खाने में अच्छा लगता है, राजस्थानी खाना। आज मैंने टमाटर का पुलाव बनाया और ये रायता, उसमें प्याज और नमक डाला उतना ही। डाल के टमाटर के पुलाव में डाल के खाना मुझे बहुत पसंद है। ये बीन्स, ब्रॉड बीन्स, इसको मैं अच्छी तरह धोया और इसका इधर काटा और वो छोटे छोटे टुकड़ा काट लेंगे। ऐसे छोटा टुकड़ा काट लिया, गर्म करने को रखा पैन में, राई डाला। राई के पकने के बाद पकने को छोड़ा ढक के, बाद में इधर नारियल थोड़ा, चिली पाउडर और ये सांभर, इसको मिक्स करेंगे और पकने के बाद ये नारियल भी डाल देंगे इसमें। आधा पक गया है, अब डालेंगे इसमें इसे मिक्स करें। देखिए पनीर को मसाला सब डाल के, मसाला मिर्ची नमक और कॉर्नफ्लोर और थोड़ा चावल का आटा डाल के मिक्स कर तेल में फ्राई करने को रखा है, थोड़ा शैलो फ्राई। मैंने बीन्स का लिया है और सांभर और चावल, देखिए अब खा रही हूँ। देखिए गाइस, ऐसा मिरर मिलता है, छोटा छोटा पैकेट में मिलता है, कहीं कहीं 20 रुपये या 25 रुपये मिलता है, ऐसे छोटा छोटा मिरर। छोटा छोटा मिरर मिलता है, मैं इसको इस तरह का बैग है, इसको मैं ऐसे फूल बना के चिपकाऊंगी, ऐसे इधर ऐसे ऐसे फूल बनाऊंगी मैं। इस तरह का थ्रेड मिलता है, डॉली थ्रेड या कुछ बोलते हैं, इस तरह का एक 6 रुपये का बंडल है। ये लेने के बाद ऐसे थ्रेड लूँगी और इसको सुई डालूँगी, ऐसे फिंगर पे ऐसे रोल कर लूँगी, बना के उसको राउंड स्टिच कर देना, बटन होल स्टिच मैं बना के रखूँगी। देखिए बस ऐसे स्टिच कर लेना फुल राउंड आने तक। देखिए बस मैंने स्टिच कर दिया, अब इसको इस मिरर पर, मिरर में मिरर पर ऐसा रख दो ऐसे, और ऐसे बैग स्टिच किया है इस पर, ऐसे मिरर रख के ये इस पीस को ऐसे स्टिच कर देना। रनिंग स्टिच से इसको इस पर सी दिया, ओके अब वो फिक्स हो गया। अब वो सुई पीछे डाल के, पीछे थ्रेड है उसको गांठ बांध देंगे। फ्लावर को येलो में भी बना देंगे, क्योंकि इधर भी येलो फ्लावर है, इसलिए इधर येलो का फूल ऐसे बना के मैं इधर स्टिच कर दूँगी। इधर ऑरेंज कलर, इधर रेड कलर, ऐसे पूरा मिरर भी है मेरे पास, मैं इसको बटन स्टिच से पूरा रिंग बना के रखूँगी। मैं इस तरह का बटन स्टिच का मिलता था, अब नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं हाथ से ही देखिए ऐसे दिखता है कि मैं पता नहीं मुझे, ऐसे बटन स्टिच से
देखिए ऐसे स्टिच कर लेना राउंड फुल साइज ऐसे स्टिच कर लेना है। और बाद में ये मैं ऐसे ही स्टिच कर देती हूँ क्योंकि इसका थ्रेड भी है। इसको मिरर पे मिरर ऐसे रख के ऐसे मिरर रख के ऐसे मिरर रखना और इस फूल पर रख के रनिंग स्टिच लगा देना। रनिंग स्टिच बस फिक्स हो जाएगा। रनिंग स्टिच से ये फूल को स्टिच कर देंगे। मैं पीला वाला फूल करूँगी ऐसे राउंड कर देना और बटन और स्टिच डाल देना उतना ही राउंड देखिए ऐसे ऐसे बटन और स्टिच राउंड इसको फुल दिखता है कि नहीं पता नहीं लेकिन ऐसे फुल फुल को रिंग को स्टिच कर देना। देखिए बिना ग्लास का ऐसे दिखता था बैग। अब इसको अब ऑरेंज वाला फूल स्टिच किया है। अब मैं इस पर ग्लास रख के और ग्लास पीस रख के ऐसे रख के अब इस पर स्टिच कर दूंगी। ऐसे रनिंग स्टिच से स्टिच कर देना शुरू कर देना। बस पूरा ग्लास फिट कर दिया मैंने इधर 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 ऐसे सब। अब देखिए कितना खूबसूरत है बैग। बैग बहुत खूबसूरत दिखता है। कोट्स खा रहे हैं कोट्स बनाए हैं। चपाती का आटा गूंद के रखा है। चपाती बनाऊंगी थोड़ी देर में। आज दूध नहीं लाया दूध नहीं लाया कुछ नहीं लाया बाहर ही नहीं गया। अब कल लाऊंगी दूध सब ये मेरे पिताजी के लिए सुखा दूंगी। चावल पत्ते की सब्जी ये मूंग और बैम्बू शूट की करी सांभार थोड़ा था ये कटहल की सब्जी ये छोटा अंडा और ये कल का तरकारी। पानी पूरी बनाऊंगी इसलिए मैंने पानी पूरी सूखा वाला पानी पूरी आलू को पका के इसमें थोड़ा नमक मिर्ची डाल के रखा है। ढक्कन अच्छी तरह मिक्स करके रखा है। थोड़ा पानी नमक डाला है। इधर पुदीना की चटनी पुदीना पालक और लहसुन की चटनी बनाई है। थोड़ा नमक भी डाला है और नींबू का रस। अब इसमें थोड़ा कर डालेंगे सभी में। इसमें थोड़ा आलू डालेंगे थोड़ा थोड़ा। पुदीना चटनी है ना वो उसमें थोड़ा थोड़ा बहुत तीखा हो गया है उस बार। पिताजी को दे दूंगी और मैं भी खाऊंगी।
कलेक्शन देखिए, ये इसको मिरर स्टिच किया मैंने। ये उलन का रेड बैग, उसका फ्लावर है ये, और ये सेम है, सेम डिज़ाइन, सेम पैटर्न, लेकिन ये पिंक कलर और ये वाइट कलर। देखिए ये वाइट कलर हैंडमेड है, कितना खूबसूरत है मेरा बैग का कलर। देखिए मेरे पास 5 बैग है हैंडमेड है। मैं इसे प्लास्टिक पेपर ऑर्गेनाइजर लाऊंगी, बैग ऑर्गेनाइजर, उसमें डाल के कपट में टांग दूंगी, जब चाहिए ले सकता है। सिंपल ये तीनों सफ़ेद है, ये सफ़ेद, ये सफ़ेद, ये सफ़ेद, ये पिंक, ये लाल। आज मैं एक चपाती और ये रागी, ज्वार की रोटी, ये बटानी और आलू की सब्जी, ये लहसुन की चटनी, चिली और लहसुन, जवाब की रोटी को चिल्ली की चटनी है, बहुत अच्छा लगता है। इसे पैकेट में रागी मिलता है, रागी का सेमिया मिलता है। इसको 5 लीटर पानी में भिगो के 5 मिनट ही रखना, और फिर ये उबलता हूँ फ्राई कर भी हूँ चिल्ली कर दी। तड़का डाल दिया, तड़का पूरा कर दे, राई, उड़द दाल और चिली और कर दे, इतना डाले। उसके बाद अब तड़का ये हो गया, इधर हो गया, उसका पानी निकाल दिया मैंने, अब इसमें डाल दूंगा। थोड़ा नारियल लो और उसमें डालो और एक बार ऐसे मिक्स कर दो। खाने के लिए रेडी है गाइस, वर्मीचिल्ली का उपमा 5 मिनट में रेडी हो गया, 5 मिनट भिगोया और 1 मिनट के अंदर उसका तड़का डाला, रेडी हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, थैंक यू।